मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। एडोल्फ हिटलर से लेकर जेपी मॉर्गन, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस से लेकर द रिच अंबानी फैमिली, हर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है। मे बी कॉस्मोस और प्लैनेट सचमुच किसी इंसान का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2016 में एप्पल के सीईओ टिम कुक इंडिया आए थे। उनकी इस ट्रिप की तीन मेजर हाइलाइट्स थी: अ विजिट टू सिद्धि विनायक टेम्पल, अ डिनर पार्टी विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड अ सरप्राइज विजिट टू एन आईपीएल मैच इन कानपुर। पर यू नो, ये सारे के सारे अनकनेक्टेड रैंडम इवेंट्स नहीं थे। दिस वॉज अ ब्रिलियंटली प्लान्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंडिया में रिलीजन, फिल्म्स एंड क्रिकेट एक होली ट्रिनिटी मानी जाती है, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज ABC, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड एंड क्रिकेट। ये तीनों ही चीज इंडिया की हार्ट बीट है, इंडिया के लोगों का ड्राइविंग फोर्स है। एज ऑफ नाउ बॉलीवुड इज अ 17,000 करोड़ इंडस्ट्री, वाइल क्रिकेट इज अ 75,000 करोड़ इंडस्ट्री। बट ऑन द अदर साइड एस्ट्रोलॉजी का अब तक कोई भी वेल ऑर्गेनाइज मार्केट ही नहीं था। इसी डिसऑर्गेनाइज एस्ट्रोलॉजी मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया एस्ट्रोटॉक, जहां पिछले साल करीब 100 स्टार्टअप्स हमारे देश में यूनिकॉर्न बने, वहीं साथ साथ 2000 स्टार्टअप्स बंद हो गए। पर इतने टफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जहां पर सरवाइव करना तक मुश्किल है, जहां पर ढेर सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, वहां पर एस्ट्रोटॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 282 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू किया, जिसमें 27 करोड़ रुपीज उनका प्रॉफिट था। एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 600 करोड़ इन रेवेन्यू एंड 100 करोड़ इन प्रॉफिट दिस फाइनेंशियल ईयर 2024। बचपन में मेरा हाथ देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मेरा हाथ देख के एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया I will become an actress in Bollywood। पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें। वो बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के भी बताते हैं, बच्चा कोई जा रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा, जिनसे पूछ रहे हो उनका पासपोर्ट ही नहीं बना आज तक। ऐसी एप्स में देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। In this video, we are going to talk about the very fascinating story of AstroTalk and what as future entrepreneurs we should learn from this business case study. Ye hai Puneet Gupta, founder of AstroTalk. In 2011, Puneet, ek IT company mein as a software developer, 37,000 rupees per month ki job kar rahe the. He was happy in his life. Everything was going smooth. Sab kuch badhiya chal raha tha. Par fir aaya life mein ek twist. Unki girlfriend unse breakup kar leti hai aur unhe chhod kar chali jati hai. क्योंकि पुनीत वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल और उनकी गर्लफ्रेंड एक रिच बैकग्राउंड से आती थी, जिनके पास मर्सिडीज थी। इट ब्रोक दिस यंग मैन्स हार्ट। इस इंसिडेंट के बाद पुनीत ने जॉब से रिजाइन कर दिया और वो लौट आए अपने पिंड भटिंडा। वो डिप्रेस थे पर उनके अंदर पैसे कमाने की आग जल रही थी। वैसे तो उन्होंने कभी भी एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं किया, पर एक दिन उनकी कलीग फ्रेंड जो कि पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर थी, उसने पुनीत के बारे में कुछ बोल्ड प्रिडिक्शंस किए, जैसे कि वो अपने फ्रेंड के साथ एक आईटी कंपनी शुरू करने वाला है और 2 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने एक IIT दिल्ली के फ्रेंड के साथ कोडयति नाम की IT कंपनी शुरू करी, जो 2 साल बाद बंद हो गई। उनकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड की प्रिडिक्शन सही साबित हुई। पुनीत वॉज शॉक्ड अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ दैट प्रिडिक्शन और वो अपनी फ्रेंड के पास वापस गए। वहां बैठकर उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म किया, जिसके बाद पुनीत को एक स्टार्टअप आइडिया आया। ही अंडरस्टूड दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ की पार्ट ऑफ अवर इंडियन सोसाइटी। आई मीन इट्स बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। और एस्ट्रोलॉजी का यूज करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। फिर उन्होंने 2017 में एस्ट्रोटॉक की शुरुआत की। डाउनलोड द एस्ट्रोटॉक ऐप नाउ। स्पेशली कोविड के बाद इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का मार्केट काफी तेजी से बूम कर रहा है। आप मानो या ना मानो, पर हर एक इंडिविजुअल जानना चाहता है कि उसका करियर क्या होगा, वो कितने पैसे कमाएगा, क्या वो कोई बड़ा महान काम करने के लिए पैदा हुआ है। और वहीं कुछ लोग जानना चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर वाइफ कितनी सुंदर होगी, उनके कितने बच्चे होंगे, या फिर उनकी एक्स कभी वापस आएगी या नहीं। और इंडिया में ऐसे ही काफी सारे स्पिरिचुअल टेक स्टार्टअप्स ओपन हो चुके हैं, जिसको लीड कर रहा है एस्ट्रोटॉक। आज एस्ट्रोटॉक सबसे सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप है हमारे देश में, विथ होल्डिंग अ 80% मार्केट शेयर। अभी टेल मी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप किसी ज्योतिष या पंडित के पास गए थे? आई एम श्योर किसी रिलेटिव या जान पहचान के आदमी के थ्रू ही गए होंगे। फिर वो कितना ऑथेंटिक है, फेक है, ये भी आपको नहीं पता। एस्ट्रोलॉजी की इसी डिसऑर्गेनाइज मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एस्ट्रोटॉक। मार्केट रिसर्च करते टाइम पुनीत ने ये तीन बड़ी प्रॉब्लम्स पहले ही फिगर आउट कर ली थी। फर्स्टली, इंडिया में ढेर सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं और कस्टमर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स कभी ढूंढ ही नहीं पाता, उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सेकेंडली,
ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर्स के पास कोई भी टेक एक्सपर्टीज नहीं थी, वो सिर्फ ऑफलाइन कस्टमर्स से ही पैसे कमा सकते थे और उनके पास लिमिटेड रीच थी। थर्डली, जियो वेव की शुरुआत हो चुकी थी, इंडियंस के पास स्मार्टफोन्स थे और चीप इंटरनेट का एक्सेस था। एस्ट्रोटॉक का बेसिक आइडिया था एस्ट्रोलॉजर्स को यूजर्स से कनेक्ट करने का। एस्ट्रोटॉक बिल्कुल उबर के जैसा था, एक बड़ा मार्केट प्लेस है जहां पर ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। नाउ यू सिलेक्ट एस्ट्रोलॉजर, बुक अ कंसल्टेशन एंड पे द प्राइसेस, और बीच का कमीशन जाएगा एस्ट्रोटॉक के पास। एस्ट्रोटॉक टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में रह रही ओल्डर ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, और लगता भी यही है कि यही राइट मार्केट होगी एक एस्ट्रोलॉजी ऐप की। बट इट टर्न्स आउट कि एस्ट्रोटॉक की सबसे ज्यादा डिमांड थी टीयर 1 सिटीज में रह रही यंगर जनरेशन की क्राउड के पास। इसीलिए इसका यूआई डिजाइन यंगर जनरेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सिंपल और अडिक्टिव बनाया गया है। ऐप के अंदर कई सारे नजेस दिए जाते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को छेड़ते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसे कई क्वेश्चंस आपके सामने डाले जाते हैं, व्हेन विल शी अनब्लॉक मी, विल माय एक्स कम बैक, व्हेन विल आई फाइंड माय ट्रू लव, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर। एस्ट्रोटॉक का 90% रेवेन्यू जनरेट होता है वन ऑन वन कंसल्टेशन से। आप एस्ट्रोटॉक ऐप के अंदर जाओ, अच्छे रिव्यूज देकर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सिलेक्ट कर लो, फिर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, चैट करने का या कॉल पर बात करने का। और बाकी का 10% रेवेन्यू आता है एस्ट्रो मॉल से। बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी का अमेज़न है। पूजा का सामान चाहिए हो, ई पूजा सर्विसेज करानी हो, नजर का सामान चाहिए हो या फिर हीलिंग ऑयल, ये सारी की सारी चीजें आपको एस्ट्रो मॉल के अंदर मिल जाएंगी। इंडिया का स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मार्केट इज करेंटली वैल्यूड एट $58 बिलियन, जो 10% के CAGR से बढ़ रहा है, और अगले 5 से 7 सालों में ये इंडस्ट्री $150 बिलियन की हो जाएगी। कोविड के बाद से 2020 में इंडिया के अंदर अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी बढ़ी है। लुक एट दिस चार्ट, गूगल ट्रेंड सर्चेस फॉर कुंडली एंड एस्ट्रोलॉजी अपने 5 ईयर्स पीक पर आ गए थे। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने रिपोर्ट किया कि लॉकडाउन के टाइम पर उनका बिजनेस बूम कर गया था, क्योंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, उनकी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी ने लोगों को सर्टेनिटी दी, एक आश्वासन दिया, एक होप दी कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुनीत गुप्ता ने बताया कि पैंडेमिक ने उनकी कंपनी का फ्यूचर बदल दिया। जहां मार्च 2020 में उनकी कंपनी 10 लाख रुपए पर डे का रेवेन्यू कर रही थी, वही 2024 में रेवेन्यू हो चुका है 1.8 CR पर डे। And today in 2024, AstroTalk has over 4 crore registered users and 15,000 crores astrologers on their platform. They are completely dominating the astrology market. These are the financials of AstroTalk, जहां पर उनका revenue year on year हर साल 100% से grow कर रहा है. And they are expecting a revenue of 600 crores with 100 crores profit in financial year 2024. But the more fascinating thing is, AstroTalk का repeat customer rate है 80%. AstroTalk अब एक एस्ट्रोलॉजी ऐप कम और एक मेंटल फिटनेस ऐप ज्यादा बन गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक लोनलीनेस एपिडेमिक से गुजर रहा है, इसीलिए इस ऐप पर लोनली एंड एंग्शियस यंगस्टर्स आते हैं जो बस किसी से बात करना चाहते हैं। ये 18 से 35 साल के बीच होते हैं और ये लोग कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं कि आगे चलकर इनका भविष्य ठीक ठाक ही होगा, एज बहुत लोगों के लिए थेरेपी एक्सपेंसिव होती है। AstroTalk इन लोगों के लिए काउंसलिंग का काम करता है। You can say that कि AstroTalk एस्ट्रोलॉजी और काउंसलिंग के बीच में कहीं है। लोगों का एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने के कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि आप पहले से कुछ मानकर बैठे हो कि ऐसा कुछ है जो सच है, और फिर आप इसके प्रूफ को ढूंढने लग जाते हो कि कैसे मैं इस बात को प्रूफ कर दूं कि जो मैं मानता हूं वो सच है। यही चीज एस्ट्रोलॉजी के साथ भी होती है। आपके एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और अब आप पूरा दिन कोशिश करोगे कि आपको एक अच्छी चीज मिल जाए, सड़क पर पड़ा हुआ नोट मिल जाए, कोई आपका उधार वापस कर दे, और आप कहो कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कहा ही था कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और देखो हो गया। दूसरा है प्लेसिबो इफेक्ट। ये इतना पावरफुल इफेक्ट है कि आप किसी बीमार इंसान को पानी की बोतल दे दो और कह दो इसमें दवाई भरी है, आप पीना शुरू कर दो। कई लोग कहते हैं कि हाँ मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। यही प्लेसिबो इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने वाले लोगों के साथ भी होता है। एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करी, एग्जांपल के लिए कि आगे चलकर आप बहुत पैसे वाले इंसान बनोगे, और कई बार ना माइंड इतने तगड़े गेम खेलता है कि आपको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है उस काम को करने का। एस्ट्रोलॉजी हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर इंडियन कल्चर, और मे बी एस्ट्रोलॉजी ने काफी एक्सटेंड तक लोगों की हेल्प भी करी होगी। पर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया जाता है, एंड प्लेइंग ऑन पीपल्स इनसिक्योरिटी हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट बिजनेस।
एंड अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस आर जस्ट प्रिडिक्शंस, रियलिटी विल ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल इटसेल्फ। तो लेट्स क्रिएट द बेस्ट ऑफ अवर कर्मास। मैं बनाने वाला परम मुक्त है, तो उसकी रचना भी तो मुक्त होगी ना। आज की समस्या तो हम निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के हम आज ही डिस्टर्ब हो जाए। बड़े बिलियनर्स भी अगर एस्ट्रोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने लाइफ में कभी मेहनत ही नहीं करी। उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो एस्ट्रोलॉजी एक स्कैम है या रियल सच, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको एस्ट्रोटॉक की बिजनेस केस स्टडी कैसी लगी और आप किस नेक्स्ट स्टार्टअप की बिजनेस केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हो, प्लीज नीचे कमेंट डाउन बिलो। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।